दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जियो फाइबर इंटरनेट सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जियो की इंटरनेट सर्विस को यूज करना चाहते हैं, पता नहीं है कि कैसे बुक करना है, कहां से बुक करना है, क्या प्रोसेस है उसका, क्या प्लान मिलने वाला है। इस तरह की काफी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसे कि दोस्तों कुछ मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि कैसे आपको अपना जियो फाइबर इंटरनेट सर्विसेज का कनेक्शन बुक करना है, क्या क्या प्लान उस पर मिलने वाले हैं, क्या स्पीड होगी उसकी, कैसे आपकी पेमेंट करनी है। तो दोस्तों इस तरह के काफी सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आप इसको शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं समरजीत सिंह और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्योर टेक टॉक। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देख सकें। तो आइए दोस्तों आप शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि काफी सारे आपने अगर नेट पे सर्च करते हैं जियो फाइबर इंटरनेट के बारे में या जियो जियो इंटरनेट फाइबर के बारे में तो काफी सारी आपके साइट्स के ऐसे लिंक मिलते हैं जिसपे कहते हैं कि आप यहां से अपना जियो फाइबर इंटरनेट बुक कर सकते हैं, जिसपे आपको आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, कुछ इस तरह की डिटेल्स डालने के लिए बोला जाता है। और दोस्तों उसके अलावा कई बार व्हाट्सएप पे आपके पास मैसेजेस आते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास मैसेज आते हैं कि यहाँ पे आप क्लिक करके अपना जियो फाइ इंटरनेट सर्विसेज का कनेक्शन बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सारे जितने भी आप मैसेजेस या जो आप वेबसाइट्स देखते हैं ये सारी वेबसाइट्स फेक हैं। कोई भी वेबसाइट ये ऑफिशियल जियो की वेबसाइट नहीं है। ये सिर्फ आपसे आपका डाटा कलेक्ट करते हैं और आगे जो है थर्ड पार्टी को ये बेच देते हैं मार्केटिंग सर्विसेज के लिए। तो दोस्तों आप इन वेबसाइट्स पे या इन लिंक्स को क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स डालने से थोड़ा सा बचिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जियो फाइबर नेट पे हमें कितनी स्पीड मिलने वाली है। दोस्तों इसमें हमें अप टू 100 Mbps की स्पीड मिलने वाली है और इसको बुक करने का ऑफिशियल तरीका क्या है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जियो का वाईफाई मिलने वाला है, जिस वाईफाई को आप लगाने वाले हो उसके राउटर की कवरेज एरिया, उस राउटर का कवरेज एरिया कितना है। तो दोस्तों उस राउटर का कवरेज एरिया 1000 स्क्वेयर फीट का एरिया है, यानी कि वो 1000 स्क्वेयर फीट का एरिया कवर करेगा। बट दोस्तों जब आप अपने घर में लगाएंगे, आपके घर के कमरों की दीवारें हैं और डोर्स हैं, अगर आप उनको बंद करते हैं, बीच में दीवारों के पार्टीशन आते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी थोड़ी सी जो कवरेज एरिया वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका कवरेज एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन 1000 स्क्वायर फुट का एरिया काफी बड़ा एरिया होता है। और दोस्तों इसके लिए आपको जो सबसे बेस्ट जगह आपके घर में है, आप अपने घर के बिल्कुल बीचों बीच इसको लगाइए, क्योंकि 1000 स्क्वायर फुट का एरिया रेडियस एरिया कवर करता है, यानी कि चारों तरफ से ये एरिया कवर करता है। तो आप कोशिश कीजिएगा आप अपने घर के बीच में लगाइएगा तो आपको घर के हर कोने में काफी अच्छी इसकी रेंज मिल जाएगी। दोस्तों अब इसके प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसके साथ जो प्लान आएगा उसका नाम है जियो फाइबर प्रीव्यू ऑफर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कि आपको 100 GB का डेटा मिलेगा 100 Mbps की स्पीड से। और दोस्तों 3 मंथ्स की इस प्लान की वैलिडिटी होती है, 90 डेज की इसकी आपको वैलिडिटी मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी और कैसे पेमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों इसके लिए हमें 4500 रुपीज 4500 रुपए की, यानी कि हमें इसके लिए एक पेमेंट करनी पड़ेगी। ये पेमेंट रिफंडेबल होती है, राउटर के बदले में आपसे ये पेमेंट ले रही है। जब आप अपना कनेक्शन बंद कराएंगे, अपना ये राउटर कंपनी को वापस कर देंगे, तो आपको आपके 4500 रुपए ये वापस मिल जाएंगे। और दोस्तों इसकी पेमेंट कैसे करनी है, इसके लिए ना आपको कैश पेमेंट करनी है, इसके लिए ना आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, इसके लिए आपको चेक से पेमेंट करनी पड़ेगी। एक अकाउंट होना और उसका चेकबुक होना बहुत ही जरूरी है अगर आप जियो फाइबर इंटरनेट लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये भी बात कर लेते हैं कि ये किस किस शहर में कहाँ कहाँ पे ये लॉन्च हो चुका है। तो दोस्तों काफी सारे शहरों में ये लॉन्च हो चुका है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, भोपाल, चंडीगढ़। तो दोस्तों आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, क्योंकि मैं इस पे आगे आपको ये भी तरीका बताने वाला हूँ कहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपके अपने शहर में ये लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये कनेक्शन जो हमें मिलने वाला है, आपको जो कनेक्शन मिलने वाला है कि ये पोस्टपेड कनेक्शन होगा, इसका बिल आएगा, या फिर ये प्रीपेड कनेक्शन होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अभी सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड में अवेलेबल है, ये अभी तक पोस्टपेड में नहीं आया। तो दोस्तों आपको ये जो कनेक्शन है ये प्रीपेड में मिलने वाला है और इन फ्यूचर आप इसका रिचार्जेस कर पाएंगे इसके प्लान्स का, बट अभी फिलहाल आपको कोई रिचार्ज इनमें नहीं करना।
दोस्तों, अगर आप जियो फाइबर इंटरनेट को परचेज कर लेते हैं, अपने पास कनेक्शन लगवा लेते हैं और 3 महीने बाद आपका प्लान खत्म हो जाता है, लेकिन कंपनी तब तक भी इसको ऑफिशियल तरीके से लॉन्च नहीं कर पाती, जियो फाइबर इंटरनेट को, इंटरनेट सर्विसेज को, तो दोस्तों उसके बाद आपको दोबारा से 3 महीने फ्री में दिए जाएंगे बिना किसी चार्जेस के। तो दोस्तों काफी अच्छी बात है कि आपको एक बार 3 महीने मिल जाएगा और तब तक अगर कंपनी अपना सर्विसेज को बीटा सर्विसेज में रखती है, यानी कि खाली टेस्टिंग फेज में रखती है, वो ऑफिशियली लॉन्च नहीं कर पाती अपने जियो फाइबर इंटरनेट सर्विसेज को, तो आपको दोबारा से 3 महीने फ्री में दे दिए जाएंगे, जैसा कि आपके जियो सिम कार्ड के साथ हुआ था। दोस्तों अभी तक की जो मैंने आपको जानकारी दी है, अभी तक जितनी भी मैंने आपको डिटेल्स इस वीडियो में बताई है, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। आप एक बार इस ऑडियो क्लिप को पहले सुन लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कहां पे कॉल करना है, कैसे आपको बुक कराना है, वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस ऑडियो क्लिप के बाद बताऊंगा। वेलकम टू जियो हिंदी के लिए टू कंटिन्यू इन इंग्लिश। नमस्कार, जियो फाइबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम शिवम है, क्या सहायता कर सकता हूँ मैं आपका? हेलो सर, मेरा नाम समरजीत सिंह है। सर मुझे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन चाहिए थे कि ये दिल्ली में कब जियो फाइबर आ रहा है इंटरनेट दिल्ली में। हाँ जी जी सर, मैं यहाँ से जानकारी चेक कर लेता हूँ। सर आप मुझे इससे पहले बताना चाहेंगे कि दिल्ली में आपको कहाँ पे चाहिए, पिन कोड नंबर बता पाएंगे आप? 1102। जानकारी चेक कर रहा हूँ सर, लाइन पे बने रहिएगा। जी सर। ठीक है सर, मैंने यहाँ से आपकी सारी जानकारी चेक कर ली है। आपने आपका जो पिन कोड बताया है उस हिसाब से सर अभी मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारे जियो फाइबर की जो सर्विसेज है वो आपके एरिया में अभी तक आई नहीं है। दिल्ली में सर वैसे अवेलेबल है या अभी तक दिल्ली में लॉन्च नहीं हुआ? जी जी, दिल्ली में अवेलेबल है, दिल्ली में अवेलेबल है, पर आपके जो लिक्वालिटी, आपका जो पिन कोड पे आपको चाहिए ना जहाँ पर, हाँ जी, वहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। और सर एक और है पिन कोड 1100092। हाँ जी, ये पिन कोड पे अवेलेबल है, इस पिन कोड पे अवेलेबल है। और सर उसके लिए अगर लगवाना हो तो कहाँ पे कॉन्टेक्ट करना पड़ता है? जी सर, सिर्फ मेरे को आपकी केवल रिक्वेस्ट ये रहेगी, मैं यहाँ से आपकी कुछ डिटेल यहाँ से ले लेता हूँ। आप मुझे प्लान वगैरह बता दीजिए, उसके कोई प्लान अवेलेबल है या कोई एक ही प्लान आ रहा है अभी, क्या है उसपे, मतलब की जानकारी मैं बता देता हूँ सर। जी सर, हमारा जियो फाइबर है जी, तो एक प्रीव्यू ऑफर चल रहा है जो टोटली फ्री है। ओके, आपको अप टू 100 MBPS की स्पीड मिलेगी, पर मंथ आपको 100 GB डेटा मिलेगा, आपको लगातार 3 महीनों के लिए मिलेगा, मतलब पर मंथ 100 GB, तो 3 महीने के लिए 300 GB। ठीक है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, आपको कोई पे नहीं करना किसी कोई भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है, केवल सिर्फ आपको एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देना रहेगा 4500। और ये कैसे, कैश होता है या चेक होता है? जी ये चेक होता है और चेक से ही हो पाएगा। ये जो 4500 रुपीज हमें वो दे रहे हैं वो हमारे एक राउटर होगा उसी के लिए दे रहे हैं। ओके, तो ये आप जब भी हमें राउटर वापस करेंगे तो आपको 4500 रुपीज वापस मिल जाएंगे। और सर 3 मंथ्स के बाद कोई प्लान लेना पड़ेगा या कैसे, मतलब अभी आपने 3 मंथ्स के लिए दे दिया, अब हम उसके बाद अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं 3 मंथ्स के बाद, तो उसके लिए कितने का मतलब बिल आएगा या उस पे प्रीपेड है पोस्टपेड है? जैसे कि सर बताना चाहूंगा, अभी हमारा जो कनेक्शन है वो प्रीपेड पे चल रहा है। ओके, और जैसे आपके 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आप एक फ्री रिचार्ज करवा सकते हैं। जी वही, आपको सेम ही 100 GB मिल जाएगा पर मंथ। और रिचार्ज कितने का कराना पड़ेगा? फ्री है, इसके लिए कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। तो मुझे फिर इसी मतलब इसी नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, कहीं पर बाहर शॉप्स वगैरह पे भी मिलता है ये अवेलेबल? नहीं सर, अभी शॉप पे ये अवेलेबल नहीं है। आप हमें कॉल करिएगा, हम यहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे सिस्टम में नोट डाउन कर देंगे सर। जी जी जी, इसके लिए हम यहाँ से हमारी एक टीम को फॉरवर्ड कर देंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन जल्द अपडेट कर देगी। पूरी दिल्ली में मतलब कब तक आ जाएगा ये? जी जैसे कि अभी तो पूरी दिल्ली में हमारा सर्विसेज अभी तक आई नहीं है सर। तो मतलब ये क्या एज अ मतलब बीटा फेज में चल रहा है अभी ये, मतलब टेस्टिंग फेज पे अभी ये? जी बिल्कुल सर। ओके, और मतलब दिल्ली में काफी दिल्ली कवर करता है या खाली थोड़ा बहुत ही एरिया है? नहीं नहीं, दिल्ली जैसे वो मैंने आपको बताया ये तो ईस्ट दिल्ली था, तो मतलब साउथ दिल्ली वगैरह की तरफ या नॉर्थ दिल्ली की तरफ नहीं है अभी हमारे पास? यहाँ पर सर अभी कुछ दिल्ली में कुछ पिन कोड ऐसे हैं जो कवर करते हैं, बहुत सारे पिन कोड हैं, जैसे कि आपने अभी एक बताया 1100092, उसी के साथ 75B है, 18B है, 63B है, बहुत सारे, वैसे दिल्ली को कवर किया है। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर एक चीज, दिल्ली के अलावा और कहाँ कहाँ पे इंडिया में अभी तक लॉन्च हो गया, कहीं बाहर की सिटी में भी हुआ या पहले मतलब दिल्ली में ही हुआ ये लॉन्च? दिल्ली है, मुंबई में है सर, कोलकाता, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम, वडोदरा, इंदौर, चंडीगढ़, भोपाल। ओके, मतलब काफी जगह पे अभी ये आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने जैसा कि ऑडियो क्लिपिंग सुन ली है, मैंने कस्टमर केयर से बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बताया कि हमें कैसे इसको बुक करवाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने एक मोबाइल से नंबर टाइप करना पड़ेगा 1800896999। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियली नंबर है जियो फाइबर इंटरनेट सर्विसेज के कस्टमर केयर का, आप यहाँ से सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आपको इस नंबर पे सबसे पहले कॉल करना है और आपको अपना एरिया
एरिया अपना पिन कोड बताना है, और अगर आपके एरिया में जियो फाइबर की इंटरनेट की सर्विसेज अवेलेबल है तो दोस्तों आप यहीं से इन्हीं कस्टमर केयर पे कॉल करके जहाँ पे आप बात कर रहे हैं आप अपना कनेक्शन का रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, और कंपनी के मुताबिक अगले तीन से चार दिन में आपके रिक्वेस्ट रेज होने के बाद आपके घर में इसका कनेक्शन लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था जियो फाइबर इंटरनेट सर्विसेज का कनेक्शन बुक करने का। हम इस वीडियो के लाइक का टारगेट काफी छोटा सा रख रहे हैं, 40 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप 40 लाइक्स का टारगेट बहुत ही जल्दी पूरा कर देंगे ताकि मुझे भी हौसला मिले और मैं आपको इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देता रहूं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, स्पेशली अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा जो इंटरनेट सर्विसेज यूज करते हैं और जो जियो फाइबर इंटरनेट सर्विसेज यूज करना चाहते हैं, ताकि वो भी अपने अपने एरिया में पता कर सकें और वो भी अपना जियो फाइबर इंटरनेट की सर्विसेज का लाभ उठा सकें। थैंक यू।